हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है पोहा, जो सबको पसंद होता है। तो चलिए इस टेस्टी ब्रेकफास्ट को बनाते हैं। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमने ले लिया है पोहा, इसे हम छलनी में डाल के रनिंग वाटर के नीचे नल से ऐसे पानी गिराते हुए धो लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, यदि ज़्यादा पानी डाल देते तो ये एकदम से गल जाएंगे और एकदम मैसी हो जाएंगे। तो पहले मैं इसे धो लेती हूँ। इसे धोने के बाद 7-8 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से फूल जाते हैं। तो मैंने इसे नल के नीचे अच्छे से धो लिया है और इसे साइड में रख देते हैं। तो हमें चाहिए ये मूंगफली के दाने। मैंने लिया है एक प्याज, खटाई के लिए लिया है नींबू, ये हरी मिर्च और 2 उबले हुए आलू और कड़ी पत्ता, और ये डालेंगे हम धनिया। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी या फिर तेल। तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो हमारा घी गरम हो गया था फ्रेंड्स, और मैंने इसमें डाल दिए हमारे पीनट और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो रोस्टेड पीनट भी ले सकते हैं। यदि आप रोस्टेड पीनट ले रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। घुमाते हुए इसको सेक लेंगे। हमारी पीनट अच्छे से भुन गई है, इसमें से आवाज आनी शुरू हो गई है और अपने आप इनका छिलका भी उतर रहा है। ये फूल के थोड़ी मोटी भी हो गई है, ये देखिए। ऐसी आवाज आने लग जाए तब हमारी पीनट रेडी हो गई है, इसका मतलब। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैं इन्हें कटोरी में निकाल लेती। इनको कटोरी में निकाल लिया है और अब हम डालेंगे इसमें जीरा। तो घी हमारा गर्म है, यदि आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। 1/2 चम्मच डाल रहे हैं इसमें जीरा, 1/2 चम्मच डाल रहे हैं राई। आपके पास राई नहीं है तो आप सरसों भी डाल सकते हो। और साथ में ही हम डालेंगे इसमें हमारा कड़ी पत्ता। हल्का सा घुमा लेंगे। तो हमने अपने प्याज, हरी मिर्ची और आलू इन सबको चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, इसको घुमा लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालना ऑप्शनल है, आपके यहाँ खाते हैं तो डाल सकते हैं आप, नहीं डाले तो आपकी चॉइस। हल्का सा इसको घुमा लेंगे। अब डालेंगे मसाले, हल्दी। हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी का जैसे ही कच्चापन निकल जाए, हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉईल किए हुए आलू। आपने आलू को यदि बॉईल नहीं कर रखा है ना, तो पतला पतला सा काट के और यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा टाइम के लिए पका लेना, जिससे वो पक जाएंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमारा भीगा हुआ पोहा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए एकदम खिला खिला बना है ना, क्योंकि ज्यादा देर हमने ज्यादा पानी नहीं डाला, इस वजह से ये चिपचिपा सा नहीं हुआ। एक दो मिनट के लिए इसे घुमा लेंगे। तो हमने डाल दिया है 1 चम्मच नमक और स्वादानुसार मिर्च, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। मैं इनके पहले बीज निकाल लेती हूँ। मैंने नींबू के बीज निकाल लिए हैं।
फिर भी एक बीज गिर गया इसमें। मैं इसमें आधा नींबू ऐड कर रही हूँ। आपको यदि ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप नींबू की मात्रा उसी हिसाब से ले सकते हैं। बीज को निकाल दिया, अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो रेडी है हमारा पोहा और डाल रही है पीनट, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब करते हैं प्लेटिंग। तो हमारा पोहा है रेडी। तो फ्रेंड्स यदि आप इसमें टमाटर डालना चाहो ना तो वो भी डाल सकते हो। यदि आपको पोहे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। और ऊपर से डाल देते हैं इसमें हम धनिया और साथ में ही डाल रहे हैं थोड़ी सी भुजिया। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगे तो आप डाल सकते हो और नहीं अच्छी लगे तो मत डालना। और साथ में लेमन। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।